Hello my dear student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about computer network. In my previous video, I have discussed different type of network and its type. Okay. Now, in today's topic is network protocol. Okay. So this is my new topic for computer science with Python series. So let's get started and understand what actually computer network is. So if you're talking about the protocol, it's nothing but a set of rule for communication. ठीक है, तो protocol अगर हम बात करें बेटा तो क्या होता है, सपोज मान लो अगर दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो अगर दोनों लोग एक साथ बात करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी. ठीक है, इससे अच्छा क्या होगा, अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को सुनना चाहिए और उसके बाद फिर बोलना चाहिए, तब जाके हम दोनों की बातों को दोनों लोग आपस में एक दूसरे की बात समझ पाएंगे. ठीक, उसके साथ साथ क्या प्रोटोकॉल और क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको अगर आप हिंदी समझने वाले हैं तो मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, अगर आप इंग्लिश समझने वाले तो मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगा और आपका रिप्लाई भी उसी लैंग्वेज में आएगा, तो ये प्रोटोकॉल होगा. सिमिलरली अगर आप अपने घर पे हैं और मेरे से दूर हैं, तो हम कैसे बात करेंगे, एक मीडियम यूज करेंगे, या तो टेलीफोन का यूज करेंगे या ईमेल का यूज करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होगा. तो इस तरह के प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए. ठीक, उसी तरह से बेटा जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, और नेटवर्किंग में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो अब वो आपस में किस तरह से बातें करेंगे, ठीक है, उसके उनके लिए कौन सा रूल होगा, जो जिसको जिसके लिए वो क्या होंगे, हैबिचुअल होंगे कि अगर कोई टास्क होगा तो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उसको कंप्लीट करें. ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर हमको यही सब हमको सीखना है. तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट एक्चुअली नेटवर्क प्रोटोकॉल. ओके, इन नेटवर्क देयर आर वैरायटी ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर डेटा इन मेनी वेज. यस, होता भी है कि नेटवर्क में होता, कंप्यूटर नेटवर्क में होता क्या बेटा, कि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और दूसरे और करते क्या है, एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं. For interconnection among these, some rules are applied like how and when a device can send or receive data. Means इसी में होता क्या है कि नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को पता होता है कि कब एक डिवाइस वो किस तरह का डेटा सेंड करेंगे और कैसे उसको एक्सेस करेंगे. ठीक है बेटा, तो ये हमको पूरा का पूरा जो एनालॉजी है इसको कौन समझाता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल हमको बताता है. ठीक है, हाउ डेटा सेंड द डेटा एंड हाउ कंप्यूटर सेंड द डेटा एंड हाउ इट रिसीव. ओके, so let's understand, a protocol means the rules that are applicable for a network. ठीक है, किसी specific network के लिए वो कौन सा rule होगा जिससे data क्या होगा, receive होगा और send होगा, यानी एक particular computer किस form में, ठीक है, किस rule को follow करके data को receive करेगा और data को send करेगा. ठीक है, और वो depend करता है कि हमारा जो computer है वो किस network में establish है. ठीक है, it defines the standardized format of data packet technique for detecting and correcting errors and so on. इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को, ताकि उस फॉर्मेट को फॉलो करके डेटा को ट्रांसफर कर सके और अगर कोई एरर आए तो उस एरर को डिटेक्ट करें और उसको करेक्ट करें. ठीक है, अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैसेज फॉर्मेट एंड द रूल्स दैट टू और मोर मशीन मस्ट फॉलो एक्सचेंजिंग दोस मैसेजेस. इसका मतलब क्या था, दो मशीन, अगर दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दे हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ मैसेज एंड रूल्स. ओके बेटा, नाउ जो फर्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मैंने इसको एब्रीवेट क्यों किया बेटा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, तो इसलिए मैंने इसको एब्रीवेट किया है, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर एंड P फॉर प्रोटोकॉल. ठीक है, सो अंडरस्टैंड इट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट एक्चुअली HTTP प्रोटोकॉल इज, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और इसको और क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं. यहाँ पे क्लाइंट क्या है बेटा, आपका जो वेब ब्राउजर होता है वो आपका क्लाइंट होता है, और वेब सर्वर यानी कि वेबसाइट अभी क्या है, एक वेब सर्वर की तरह वर्क करता है. ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट अपने कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से वेब ब्राउजर के थ्रू जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये क्लाइंट के थ्रू सेंड किया गया रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट को सर्वर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा. तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा फाइल का, डेटा का, वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे,
HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर से मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट आपका HTML है, यानी कि आपका जो सर्वर है वो वेबसाइट जिसके पास है, यानी कि आप जब किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी सर्वर को तो आपके पास क्या आता है, वेबसाइट आती है, ठीक है, और वेबसाइट में होता क्या, हाइपर टेक्स्ट होते हैं, ठीक, सिंपल। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर आपको एक्सेस करना है क्लाइंट सिस्टम पे तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होगा। नाउ इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www पे जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सेस करनी है इन द फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेब फाइल, सो उसके लिए आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। HTTP इज अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर, इसका मतलब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। नाउ अ क्लाइंट इज द एंड यूजर एंड द सर्वर इज द वेबसाइट, इसका एंड यूजर का मतलब क्या, वेब ब्राउजर, यानी कि जो भी हम वेब ब्राउजर यूज करें, either we are using a mobile phone or in a computer system, okay beta, so ye hamara kya hai, hypertext transfer protocol। HTTP is used to transfer all the file and other data from one computer to another on the world wide web, yani ki over the internet jab aapka web server कोई इंफॉर्मेशन वेब क्लाइंट को सेंड करता है तो वो फॉलो करता है hypertext transfer protocol, ठीक है बेटा। Now, next हमारा जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा बेटा सिंपल आपके जैसे नाम से सजेस्ट हो गया है, किसी भी फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए फ्रॉम द वेब सर्वर टू लोकल सर्वर, लोकल कंप्यूटर और लोकल कंप्यूटर टू सर्वर, तो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं हमारा FTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। Now, FTP इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे to exchange file over the internet। file का मतलब भी किसी भी प्रकार की file हो सकती है, चाहे वो आपकी आपकी web file भी हो सकती है, suppose आपकी PDF file हो सकती है, आपकी MS Excel file हो सकती है, आपकी image file हो सकती है, किसी भी प्रकार की file को upload और download करने के लिए जो protocol use होगा वो आपका होगा file transfer protocol। it's a very simplest protocol in the networking, okay। the objective of FTP are to promote शेयरिंग ऑफ फाइल लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा, जो जो भी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर डेटा वो शेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। टू एनकरेज इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर, टू शील्ड अ यूजर फ्रॉम वेरिएशन इन अ फाइल स्टोरेज सिस्टम अमंग डिफरेंट होस्ट, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट होस्ट या डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर को हम इस फाइल FTP के थ्रू डेटा को क्या, सॉरी फाइल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, मीन्स अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको जो टर्म है इसको याद रखना है फाइल FTP प्रोटोकॉल के लिए, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। नाउ FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट अलाउज ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, लाइक अपलोडिंग ऑफ अ फाइल फ्रॉम लोकल मशीन टू वेब सर्वर, ओके, और वेब सर्वर टू लोकल मशीन, ठीक है, यूजिंग FTP क्लाइंट। नाउ नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। सो आज जो हम लोग डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, डेटा जो वेब सर्वर से या फिर सर्वर से, चाहे वो डेटाबेस सर्वर हो, चाहे वो फाइल सर्वर हो, ठीक है, चाहे वो मेल सर्वर हो, अगर हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने क्लाइंट मशीन में तो वो सिर्फ खाली सिर्फ किसकी वजह से है, वो TCP/IP वजह से है, ठीक है। ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको हम आगे चल के देखते हैं। पहला है TCP is responsible for verifying the correct delivery of a data from client to server। इसका मतलब क्या? ये verify करता है कि data को कि जिस form में data transfer हुआ है source से destination को, उसी form में data destination को मिले। यानी कि एक computer से अगर hello how are you का एक simple सा message transfer हुआ है तो सेकंड वाले पीसी को, सेकंड वाले कंप्यूटर को भी सेम मैसेज ही ट्रांसफर हो, ऐसा ना हो कि उसका जो ऑर्डर वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो TCP ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस ऑर्डर को करेक्ट करने में। डेटा कैन बी लॉस्ट इन द इंटरमीडिएट नेटवर्क, और भी क्या हो सकता है, अगर डेटा ट्रांसफर होता है तो इन बिटवीन डेटा लॉस्ट भी हो सकता है, तो TCP एड सपोर्ट टू डिटेक्ट एरर और लॉस्ट ऑफ डेटा। यानी कि TCP क्या करता है, डेटा लॉस्ट ना हो उसके लिए क्या, उसमें
सीरियल नंबर असाइन कर देता है पैकेट के साथ, डेटा पैकेट के साथ। यहाँ पे डेटा पैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? डेटा पैकेट आपका स्मॉलेस्ट पीस होता है आपके डेटा का, यानी कि आपने कोई डेटा ट्रांसफर किया, सब हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे आपने चार या पांच वर्ड या फिर एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को अलग अलग करेक्टर के साथ एक डेटा पैकेट बनेगा जिसको चंक्स ऑफ डेटा बोलते हैं, ठीक है। और हर एक डेटा पैकेट के साथ क्या होगा, एक सीरियल नंबर असाइन होगा, और आपका जो टीसीपी है उस सीरियल नंबर को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा उसको, कहीं भी लॉस्ट होने नहीं देगा। तो टीसीपी एड सपोर्ट टू डिटेक्ट एरर और लॉस ऑफ डेटा एंड टू ट्रिगर ट्रांसमिशन अंटिल द डेटा इज करेक्टली एंड कंप्लीटली रिसीव। और इसका कनेक्शन किसी सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन, इसका मतलब होस्ट से नोड की तरफ जो डेटा जो कनेक्शन होगा एस्टेब्लिश होगा वो कंटिन्यूअसली रहेगा जब तक कि डेटा ट्रांसफर नहीं हो जाता है, जब तक कि एक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है रिसीवर की तरफ से कि मुझे डेटा रिसीव हो गया, तब तक वो कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सबसे पहले क्या होता है, डेटा ट्रांसफर करने से पहले टीसीपी क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ओके, नाउ टीसीपी डिवाइड्स दैट लार्ज पैकेट टू ट्रांसमिट इनटू स्मॉलर डेटा पैकेट कॉल्ड डेटाग्राम्स, या उसको चंक्स भी बोलते हैं। लार्ज डेटा को क्या करता है टीसीपी, क्या करता है, इसको डिवाइड करता है स्मॉलर पैकेट्स में, और उस पैकेट के साथ उसको असाइन करता है सीरियल नंबर, ठीक है, ताकि हमारा डेटा लॉस्ट ना हो और जब डेटा रिसीवर के पास पहुंचे तो उसको करेक्ट ऑर्डर में पहुंचाए। एट द रिसीविंग एंड इट ऑल्सो रीअसेंबल द पैकेट फ्रॉम ओरिजिनल मैसेज। इसका मतलब जब डेटा ट्रांसफर होता है तो हो सकता है उसका ऑर्डर क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क से होकर डेटा हमारे पास आए, ठीक है। तो क्या करता है टीसीपी, उन सभी डेटा को इकट्ठा करता है और उसको एक सीरियल में लगाता है, जिस सीरियल में डेटा ट्रांसफर होता है उसी सीरियल में लेके आता है, और रीअसेंबल करने के बाद ओरिजिनल जो मैसेज था, ठीक है, वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। तो टीसीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बेटा है आईपी, और ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आईपी। आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर, एन नंबर ऑफ कंप्यूटर होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, ठीक है, और उस आईपी एड्रेस से हम किसी भी कंप्यूटर को सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से आईपी एड्रेस को असाइन किया जाता है, एक है IPv4 यानी कि वर्जन 4 और IPv6, ठीक है। IPv4 जो आपका होता है 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है 128 बिट का प्रोटोकॉल, 8 बिट का क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क में स्टेबल जितने भी कंप्यूटर हैं सबको हम एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उस कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और यही आईपी टीसीपी के साथ मिलकर डेटा को उसके राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ठीक है बेटा। तो ये आईपी का काम होता है, ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेट ऑफ डेटा फ्रॉम नोड टू नोड। नोड टू नोड मतलब एक सोर्स से डेस्टिनेशन, होस्ट से नोड, या फिर सेंडर से रिसीवर, इसको बोल सकते हैं। आईपी फॉरवर्ड ईच पैकेट बेस्ड ऑन 4 बाइट डेस्टिनेशन एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, जैसे 163 या 164.23.164.21। इस तरह से हमारा क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। द इंटरनेट अथॉरिटीज असाइन रेंज ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग आईपी एड्रेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन की जाती है बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द आईपी प्रोटोकॉल। नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर। सिंपल यहाँ पे बताया मैंने, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एड्रेस ऑफ ईच प्रोटोकॉल एंड परफॉर्मिंग राउटिंग ईच पैकेट इज अ साइन विद डेस्टिनेशन आईपी। राउटर का मतलब यहाँ पे, राउटिंग का मतलब क्या है, पाथ, यानी कि आईपी ही बताता है कि डेटा को किस पाथ से होकर किसी डेस्टिनेशन तक या रिसीवर तक पहुंचना है, क्लियर बेटा। सो आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बेटा होता है हमारे पास क्या है, ट्रिपल पी, यानी कि पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास सर्वर नहीं है, हमारे पास सिर्फ सिंपल दो कंप्यूटर हैं, और दो कंप्यूटर को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इस तरह के कंप्यूटर कनेक्शन में जो हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए,
पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पीपीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे जनरली, ठीक है। इट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ डेटा लिंक लेयर दैट इज यूज टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर। यानी कि मान लो हमारा दो कंप्यूटर है या दो मोबाइल फोन है, ठीक है, दोनों मोबाइल फोन से अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है, जैसे कि जब हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है हमें। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब डेटा आपका सिक्योर होता है और जो भी प्रोटोकॉल वहां पे यूज हो रहा है उसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मान लो दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइस आपका कंप्यूटर हो सकता है, दो डिवाइस आपके लैपटॉप हो सकते हैं, दो डिवाइस आपके मोबाइल भी हो सकते हैं और दोनों को आप दोनों क्या क्या किया है किसी केबल से कनेक्ट किया है या फिर वाईफाई से कनेक्ट किया है। अब आप चाहते हैं कि दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, डेटा को शेयर करें एक दूसरे से, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल जो यूज होगा ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज होगा। इट इज अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज वाइडली यूज इन ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। ब्रॉडबैंड में जो हम लोग घर में यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं, जनरली जहां पर हाई लोड और हाई स्पीड या हैवी लोड और हाई स्पीड की जरूरत होती है वहां पर हम ट्रिपल पी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है बेटा। नाउ नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल आता है वो है एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपसे नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन दैट अलाउज सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब क्या है कि एसएमटीपी वो प्रोटोकॉल है जो हमको जो नेटवर्क को हेल्प करता है कि किसी भी ईमेल को, ठीक है, ईमेल को हम लोग सेंड और रिसीव कर सके। इट इज अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज टू अनदर कंप्यूटर यूजर बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। यानी कि ईमेल एड्रेस जो हमारा ईमेल प्रोटोकॉल यूज करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। सो एसएमटीपी यूज व्हाट यूज सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूजर बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। यानी कि ईमेल एड्रेस के बेस पर जो हमारा प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन होता है टू द कंप्यूटर वो हमारा होता है एसएमटीपी। अब यहां पे दो तरह के हमारे पास ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एक हमारा आईमैप है और दूसरा है पॉप 3, ठीक है। तो पहले हम आईमैप देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर हमें मेल सर्वर से, ठीक है, हमें मेल सर्वर से ईमेल को एक्सेस करना है बेटा, मेल सर्वर से ईमेल को एक्सेस करना है तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वहां पे प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, ठीक है। हमारा जो एसएमटीपी यानी कि एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है वो सेंडिंग के लिए होता है, ठीक है। कोई मैसेज आपको सेंड करना है सर्वर पर, मेल सर्वर पर, तो वहां पे एसएमटीपी प्रोटोकॉल है। अगर आप एक ईमेल सेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है, तो क्या होगा, वो ईमेल सबसे पहले कहां पे जाएगा, ईमेल सर्वर को जाएगा और फिर ईमेल सर्वर से किसको जाएगा, आपके फ्रेंड को जाएगा। सिमिलरली तो सेंडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल है वो एसएमटीपी है और रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल है वो है आईमैप है। तो आईमैप स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल फ्रॉम लोकल सर्वर। लोकल सर्वर का मतलब क्या होता है, वहां पे ईमेल सर्वर से, ठीक है, किसी भी ईमेल सर्वर से अगर आपको ईमेल एक्सेस करनी है आपको तो वहां पे आप आईमैप प्रोटोकॉल यूज करेंगे। इट इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर द यूजर बाय इंटरनेट सर्वर, ठीक है, सिंपल। तो यहां पे जनरली जो आईमैप है वो सिंपली हमारा क्या क्लाइंट यूज करता है टू रिसीविंग ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर, ठीक है बेटा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा है पॉप 3। अब बेटा ये जो पॉप 3 प्रोटोकॉल है ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसको पहले समझते हैं। द एडवांटेजेस इज दैट वंस मैसेज आर डाउनलोड द यूजर कैन कट द इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब क्या, आज तो हमारे जो आज का इंटरनेट का जो प्राइस है, ठीक है, बहुत ही चीप हो गया है, ठीक है, बहुत ही सस्ता है। लेकिन आप आज से 10 साल 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो तब इंटरनेट जो कॉस्ट होती थी बहुत ही हाई होती थी। तो उस समय क्या करते थे, वी कैन नॉट कंटिन्यूअसली यूज इंटरनेट, ठीक है, वी कैन यूज इंटरनेट फॉर चेकिंग अवर ईमेल, यू कैन डाउनलोड द ईमेल ऑल्सो एंड आफ्टर ब्रोक द कनेक्शन को क्लोज करने के बाद यू कैन सिंपली रीड योर इंटायर ईमेल, ठीक है, विच हैज कम फ्रॉम द मेल सर्वर टू योर लोकल कंप्यूटर। तो सिंपली पॉप 3 का यूज हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, वी कैन डाउनलोड
email from the email server to our local computer. So POP3 stand for Post Office Protocol. It is a client server protocol. जैसे कि SMTP है, वैसे ये भी है. IMAP है, वैसे ये भी है. Client server protocol is a which email is received and held for you by your internet server. यानी कि internet server से क्या होता है? आपकी email आती है. लेकिन यहाँ पे एक आपको और क्या advantage मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं? आप ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको आईमेप में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होता. यू कैन डाउनलोड योर ईमेल यूजिंग पॉप थ्री प्रोटोकॉल. ठीक है, जैसे कि आपका जो आपका ईमेल एक्सेसिंग करते हैं आप, ठीक है, फ्रॉम द मेल सर्वर से. ठीक है, यहां पर आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का है. वो आउटलुक एप पॉप थ्री के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे अपने ईमेल को कंफिगर कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल एड्रेस के थ्रू. ठीक है, और सारी की सारी ईमेल आप आउटलुक में सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं आपके लोकल हार्ड डिस्क में. ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है पॉप थ्री. इट ऑल्सो अलाउज अ डाउनलोड एंड रिसीव मैसेज ऑन लोकल मशीन यूजिंग टूल लाइक आउटलुक सो दैट द यूजर कैन रीड देम इवन व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इसका अगर आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो भी आप अपने ईमेल को रीड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. यहाँ पर आईमैप कैसे वर्क करता है? आईमैप जैसे कि आपके पास बहुत सारे ईमेल आ गए हैं, ठीक है, आपके पास 100 ऑफ ईमेल हैं और इसमें से कोई स्पेसिफिक ईमेल आपको रीड करना, तो आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ईमेल पर, तो वो ईमेल आपसे क्या आपके पास आता है. ठीक है, सपोज आपके पास आपने ईमेल लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपके पास आपने देखा कि आज की डेट में आपको 100 मैसेज आए हैं, 100 ईमेल आए हैं, और उस 100 मैसेज में से ईमेल में से आपको 25th वाला मैसेज आपको रीड करना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली क्लिक करते हैं. जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये रिक्वेस्ट कहां जाती है, ईमेल सर्वर को जाती है, और ईमेल सर्वर क्या करता है, इस पर्टिकुलर ईमेल को क्या करता है, आपको सेंड करता है. ठीक है, ना कि पूरे ईमेल को, सिर्फ खाली वहां पे लिंक रहते हैं और उसके बाद फिर आपको रीड करते हो. लेकिन POP3 में ऐसा नहीं, POP3 में यू कैन सिंपली डाउनलोड योर एंटायर ईमेल ऑन योर लोकल हार्ड डिस्क और लोकल कंप्यूटर. ठीक है, और यू कैन डिस्कनेक्ट द कनेक्शन इंटरनेट एंड सिंपली रीड द एंटायर मैसेज. ठीक है, विच हैज कम. ठीक है, द यूजर चूज द लीफ कॉपीज ऑफ द मेल ऑन द सर्वर एज वेल. इसका मतलब क्या, यूजर चूज कर सकता है कि जो कॉपी आपको ईमेल की जो आई है तो वो मेल सर्वर पर भी आप एस्टेब्लिश कर सके. अब POP3 का एडवांटेज मैंने आपको बताया कि यू कैन डाउनलोड योर मैसेज, यूजर कैन कट द इंटरनेट कनेक्शन एंड रीड हिज और हर ईमेल ऑन लेजर विदाउट इनक्यूरिंग फर्दर कम्युनिकेशन कॉस्ट. ठीक है बेटा, यानी कि आपको कोई भी कॉस्ट लगेगा नहीं. ठीक है, आप सिंपली डेटा सारी की सारी ईमेल को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा, यहां पर आप कॉलिंग, यानी कि आप जब आप इंटरनेट से कॉल करते हैं तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आपकी वॉइस कन्वर्ट होती है पैकेट्स में और रिसीवर जब आपको रिसीव करता है तो वो पैकेट कन्वर्ट होते हैं वॉइस में. ठीक है, इसका इट इज अ प्रोटोकॉल दैट एनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द कंपैरिजन ऑफ वॉइस इनटू द डेटा पैकेट एंड दैट कैन बी इफिशियंटली ट्रांसमिटेड ओवर द डेटा नेटवर्क एंड देन कन्वर्ट बैक इनटू द वॉइस एट द रिसीवर एंड. इसका मतलब क्या, जब आप यहां से बात कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट तो आपकी वॉइस कन्वर्ट होती है पैकेट्स में. ठीक है, और जब रिसीवर जब आपकी आवाज को सुनता है तो वही पैकेट क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं वॉइस में. तो इस तरह का जो कन्वर्जन है वो कौन करता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि VOIP करता है. ठीक है, इस अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क. और ये क्या है, अल्टरनेटिव है किसका, ट्रेडिशनल टेलीफोन, टेलीफोन जो लाइन आप जो यूज कर रहे थे पहले. ठीक है, आपके वॉइस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होती थी और फिर उसके बाद एनालॉग सिग्नल वॉइस में कन्वर्ट, से उसी का क्या एक अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिमोट लॉगिन. अब बेटा रिमोट लॉगिन क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो क्या करते हैं आप, ठीक है, आप मैं अपने कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आप सभी के मोबाइल पे शेयर हो जाती है, तो वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ रिमोट लॉगिन. ठीक है, तो रिमोट लॉगिन इज अ नेटवर्क एप्लीकेशन दैट परमिट अ यूजर सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन टू वर्क ऑन द स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑन अनदर कंप्यूटर. मतलब आप, मैं बैठे बैठे अपने घर से, अपने कंप्यूटर से मैं किसी और का कंप्यूटर रिमोटली एक्सेस करके उसके डेस्कटॉप स्क्रीन को एक्सेस कर सकता हूं, उसे कंप्यूटर को एक्सेस करके वहां पर कुछ भी वर्क कर सकता हूं. इसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन करना बेटा. ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से हमारा क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, यानी कि जहां से हम जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं लॉगिन रिमोटली
हम इसको एक्सेस कर रहे हैं वहां भी इंटरनेट होना चाहिए और मेरे कंप्यूटर में भी इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। द मेन प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो है टेलनेट, ठीक है, एनीडेस्क एंड टीमवीवर। टीमवीवर आप जानते हैं कि बहुत ही यूजली इसको यूज किया जाता है, ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर रिमोट लॉगिन के लिए। अब बेटा हम बात करते हैं टेलनेट की, तो टेलनेट क्या है, सॉरी, ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो है टेलनेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है टेलनेट, बट यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल क्या बता रहा है टेलनेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो टेलनेट इज अ वन ऑफ द अर्लीस्ट रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट। यानी कि आप सिंपल बता, आपको समझना होगा बेटा कि टेलनेट का यूज हम लोग रिमोट लॉगिन के लिए करते हैं, ठीक है। थ्रू आउट टेलनेट इज एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूजर कैन एक्सेस समवन्स एज कंप्यूटर रिमोटली। यानी कोई भी हमारा या किसी का भी कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सकता है। वो अगर मुझे किसी भी क्लाइंट का कंप्यूटर एक्सेस करना है तो मैं बैठे बैठे घर से किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, वाया इंटरनेट, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा। सो यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक, या फिर एब्रीविएशन पूछा जाता है आपसे। तो इट इज ऑल अबाउट द नेटवर्क प्रोटोकॉल, ओके बेटा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट स्टूडेंट।